नमस्कार। आजकल पूरे देश में ही राजस्थान की लाल डायरी का बहुत जिक्र चल रहा है। राजस्थान में जैसे ही लाल डायरी की घटना जो है सुर्खियों में आई, समाचार पत्रों में और चैनलों में चलने लगी, तो हर जगह ये चर्चा चलने लगी कि क्या है उस लाल डायरी में, लाल डायरी में किसके काले कारनामे लिखे हुए हैं, क्या क्या कारनामे लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले तो अपन देख लें कि राजेंद्र गुड्डा जी ने जिस तरीके से ये पूरा माहौल बनाया, मुझे तो कहीं ना कहीं उसमें बहुत ज्यादा स्पष्टता नजर नहीं आई, क्योंकि एक तो वह सुबह से लेकर शाम तक अलग अलग चैनलों पर आकर रोते रहे। मतलब इतना क्या गम था उनको कि उनका रोना बंद नहीं हुआ। यदि भाई सुबह की घटना थी जब उनसे छीन ली गई थी, जब उनको धक्का दे के बाहर भगा दिया गया था, तब तक उनका जो है थोड़ा सा वो आहत थे, थोड़ा सा दुखी होना दिखाई देता तो समझ में आता। लेकिन हुआ ये कि यदि वो दोपहर में या शाम तक भी जब किसी चैनल पर बैठ रहे थे तो वहां पर भी लाइव डिबेट में भी वो इतने ज्यादा दुखी नजर आ रहे थे जैसे कि पता नहीं उनका कुछ बहुत बड़ा नुकसान हो गया हो। अब वो लाल डायरी कहाँ थी, क्या थी, अभी तक कहाँ महफूज रखी गई थी, उन्होंने खुद ने ही वो क्यों नहीं लोगों को बताई, अब ऐसा अचानक क्या हो गया कि वो इस लाल डायरी को सबके सामने लेकर आ रहे हैं। ऐसे बहुत सारे सवाल जो है आपके प्रश्न जो मन में है वो उठ रहे होंगे और उठना स्वाभाविक भी है, क्योंकि जब कुछ मामला कहीं ना कहीं उसको षड्यंत्र बनाया जाता है या प्लानिंग की जाती है तभी बाहर निकल के आता है। अब उसमें हकीकत क्या रहती है या नहीं रहती है, वो चीजें फिर जो है वो संशय के घेरे में आती हैं। क्योंकि यदि ऐसी कोई लाल डायरी थी भी तो पहले क्यों नहीं लाई गई, उसमें जिन लोगों के नाम थे वो उजागर क्यों नहीं किए। यदि वो लाल डायरी थी तो राजेंद्र गुड्डा जी ने पढ़ी जरूर होगी। अब लाल डायरी यदि छीना भी ली गई है तो उसमें से कुछ चीजें तो उनको याद होंगी, कम से कम वो उनको तो साझा कर सकते थे, लेकिन ऐसा कुछ भी उन्होंने नहीं किया। इसका मतलब साफ है कि लाल डायरी नाम की कोई भी चीज जो थी वो एक प्रोपोगेंडा था, वो एक कल्पना थी, वास्तव में ऐसा कुछ था नहीं। यदि ऐसा कुछ है भी तो ये वो लाल डायरी नहीं थी, क्योंकि डायरियां तो जनाब जरूर होंगी, क्योंकि इस देश में काले कारनामे तो बहुत हैं। बड़े बड़े सफेद पोस्ट जो हैं उन्होंने ऐसे ही नहीं अरबों करोड़ों रुपए कमा लिए। जो लोग कुछ सालों पहले साइकिल पर स्कूटर पर चलते थे, आज वो 1000 करोड़, 2000 करोड़, 500 करोड़ या कितने ज्यादा करोड़ों के मालिक हैं, आप खुद जानते होंगे। आपके क्षेत्र में आपके माननीय भी हो सकते हैं या जहां जहां आजू बाजू के क्षेत्र के भी हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी लंबी सूची होगी, उन्होंने कहीं ना कहीं किसी ना किसी लाल, पीली, हरी, नीली, कथई डायरी में लिख रखी होगी। अब वो डायरियां कहाँ हैं, क्या है, किसी को नहीं मालूम। कोई भी व्यक्ति जो है उन डायरियों का जिक्र नहीं करता है, उन डायरियों को गुप्त रखा जाता है, क्योंकि उसमें वो काले कारनामे होते हैं। तो ये काले कारनामे केवल राजस्थान के नहीं होते हैं, हम तो ये कहेंगे कि पूरा हिंदुस्तान ही कालस्थान है, जहां इन माननीयों के कितने बड़े बड़े जो काले कारनामे हैं कहीं ना कहीं इसी तरीके से जो है गुप्त रूप से किसी ना किसी डायरी में लिखे हुए हैं। लेकिन ऐसी डायरियां बाहर आ पाएंगी या नहीं, ये भी बड़ा प्रश्न है, क्योंकि मुझे लगता नहीं है। क्यों? क्योंकि हमाम के अंदर सभी नंगे हैं। जी हाँ, हमाम के अंदर सभी नंगे हैं। यहां हम किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहे, चाहे सालों से कोई पार्टी राज कर रही हो उसके हालात भी ऐसे ही हैं। कोई पार्टी पिछले कुछ सालों से राज में आई हो तो उसने भी जो है वो देश को लूटने की और अपने जो है डायरी में काले कारनामे लिखने की सूची फटाफट से लंबी करी है। और जो लोग, जो माननीय, जो सफेदपोश, जो पार्टी अपने आप को बहुत बड़े ईमानदार होने की बात करती है, वो भी करोड़ों के घर बनाती है, करोड़ों रुपया अपने घर में लगाती है। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि कहीं ना कहीं जितने भी सफेदपोश हैं उनके काले कारनामे हैं। अब वो किस लाल, पीली, हरी, नीली डायरी में लिखे हुए हैं ये वे ही जानते हैं, लेकिन ऐसी डायरी बाहर आ पाएगी इसकी उम्मीद फिर भी कम है। लेकिन ये हकीकत है कि ऐसी डायरियां हैं जरूर जिसमें इन सफेदपोशों के काले कारनामे लिखे हुए हैं। यदि ये डायरियां बाहर आ जाती हैं तो मुझे लगता है कि शायद जो स्विस बैंक है उससे काला धन वापस लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहीं पर अरबों करोड़ों खरबों रुपए का जो है काला हिसाब किताब जो है वो जनता के सामने आ जाएगा और फिर इन लोगों से रिकवरी क्या हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन ये लाल डायरी का जो एक चाहे प्रोपोगेंडा हो, लेकिन उसने ये सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं कि कहीं ना कहीं हमारे देश के हर राज्य में इस तरह की डायरियां हैं जिसमें
इस तरह के काले कारनामे लिखे हुए हैं। तो ये हमारे कालिस्थान के लाल डायरी कब जनता के सामने आएंगी और कब इन सफ़ेद पोशों के चेहरे से नकाब उतरेगा, इसके इंतजार के साथ ही इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।